पंजाब नेशनल बैंक में हुए महाघोटाले की खबर के बीच खुलासा हुआ है कि देश के सरकारी बैंकों में 2012 से 2016 के बीच हुए फर्जीवाड़े से कुल 227.43 अरब रुपए का चूना लग चुका है। उधर सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों का हवाला देते हुए सदन को बताया था कि 1 जनवरी से 21 दिसंबर 2017 तक 179 करोड़ रुपए के बैंक फर्जीवाड़े के 25,800 से ज्यादा मामले सामने आए। इन फर्जीवाड़ों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अंजाम दिया गया था। मार्च 2017 में आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 के पहले 9 महीनों में आईसीआईसीआई बैंक से 1 लाख रुपए और ज्यादा की रकम के 455 फर्जी ट्रांजैक्शन पकड़े गए, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 429, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 244 और एचडीएफसी बैंक के 237 फर्जी ट्रांजैक्शन सामने आए। आंकड़े बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 64 एम्प्लॉइज, एचडीएफसी बैंक के 49 एम्प्लॉइज, जबकि एक्सिस बैंक के 35 एम्प्लॉइज की भूमिका इन फर्जी ट्रांजैक्शंस में पाई गई। अप्रैल से दिसंबर 2016 के बीच 177.50 अरब रुपए के फर्जीवाड़े के 3,870 मामले दर्ज करवाए गए। इन फर्जीवाड़ों में निजी और सरकारी बैंकों के 450 एम्प्लॉइज शामिल थे। साल 2011 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पता चला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आईडीबीआई में 10,000 जाली खाते खोले गए और 1.5 अरब रुपए मूल्य का लोन दे दिया गया, जिसमें एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने की बात भी सामने आई। तो वहीं 2014 में मुंबई पुलिस ने 7 अरब रुपए के फिक्स डिपॉजिट फ्रॉड में सरकारी बैंकों के कुछ अधिकारियों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज की थी, जहां इलेक्ट्रोथर्म इंडिया नाम की कंपनी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 2014 के दौरान 4.36 अरब रुपए का चूना लगाया। वहीं कोलकाता के उद्योगपति बिपिन बोहरा ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 1.4 अरब रुपए का लोन लेकर कथित तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ठगी कर ली, जबकि सिंडिकेट बैंक के पूर्व चेयरमैन और एमडी एसके जैन द्वारा रिश्वत लेकर 80 अरब रुपए का लोन देने का भी मामला सामने आया। साल 2015 में जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के कर्मचारियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ कथित तौर पर 2.12 अरब रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। अलग अलग बैंकों के कर्मचारियों ने फॉरेन एक्सचेंज स्कैम में 60 अरब रुपए का फर्जीवाड़ा किया। बताया जाता है कि इसमें नकली हांगकांग कॉरपोरेशन का भी सहारा लिया गया। 2016 में 4 लोगों ने सिंडिकेट बैंक में 386 अकाउंट खुलवाकर 10 अरब रुपए का फर्जीवाड़ा अंजाम दिया। बैंक को चूना लगाने के लिए उन लोगों ने जाली चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट्स और LIC पॉलिसीज का सहारा लिया था। वहीं 2017 में CBI ने IDBI बैंक का 9.5 अरब रुपए का लोन वापस नहीं करने के आरोप में विजय माल्या और 10 दूसरे लोगों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया। इसके अलावा CBI ने 11.61 अरब रुपए की दोषपूर्ण हानि के आरोप में 5 सरकारी बैंकों के खिलाफ FIR दर्ज की और डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स के खिलाफ 6 चार्जशीट भी फाइल की, जिसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 20 बैंकों को 22.23 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में कोलकाता के नामी गिरामी कारोबारी नीलेश पारिक को गिरफ्तार किया। साथ ही इसी साल CBI ने 2 सरकारी बैंकों को लगभग 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में अभिजीत ग्रुप के प्रमोटर्स और केनरा बैंक के पूर्व DGM को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने आंध्र बैंक के डायरेक्टर को 5 अरब रुपए के कथित बैंक फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस फर्जीवाड़े में गुजरात की एक फार्मा कंपनी का भी नाम सामने आया था।